वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मेरा सेकंड व्लॉग है और मैं गई थी कॉलेज। कॉलेज के बाद मैं घर आने लगी, मुझे ना कुलचे वाले अंकल दिखे तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो अंकल मेरे लिए कुलचा बनाने जा रहे हैं। ये सबसे पहले गर्म करेंगे इसे। तो गाइस, अभी अंकल सब्जी डालेंगे इसमें। तो गाइस, अंकल चटनी डालते हैं अपने एकदम स्पाइसी वाली, खा के मजा ही आ जाता है। तो गाइस, हमारा ये कुलचा रेडी हो गया है। कुलचा खाते हैं और चलते हैं घर, और मम्मी की डांट खाते हैं क्योंकि मैंने बाहर से खाना खा लिया है। मेरे तो एक कुलचा में पेट भर जाता है, तो मुझे ज़्यादा की लोड ही नहीं पड़ती है कि और घर पे जाके कुछ खा लूँ। तो पहले खाते हैं और चलते हैं घर। गाइस, कुलचा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा ही आ गया। अंकल के हाथ के कुलचे एक बार जरूर खा के देखना आप। तो गाइस, मैं अपने घर पे पहुँचने वाली हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं और फ्रेश हो गए फटाफट से अपना घर का काम करते हैं, और फिर बनाती हूँ मैं खाना। पहले उसे खाऊंगी, फिर आगे का काम होता रहेगा, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। गाइस, अभी मैं अपने घर पर आ गई हूँ और यहाँ पर मुझे मिली नन्नू चोरी करते हुए किचन में। ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, मैंने इसे पकड़ लिया। अभी भागेगी अपने कमरे में, देख सकते हैं इस चोर का मुंह। तो गाइज, मैंने नन्नू को ना रंगे हाथ पकड़ा था चॉकलेट खाते हुए, और कह रही है नहीं। गाइज, ये झूठ पे झूठ बोली जा रही है। एक दुख का है ना, ये खत्म होता। यहाँ पे दोनों विजय आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है विजय कौन है और विजय टू कौन है। तो गाइस, इन्हें देखिए, इनका हुआ बुरा हाल पैदल चल चल के। तू अभी वैसे भी नहीं दिख रहा है। गाइस, ये देखिए, 2 बज गए हैं और इसकी अभी चल रही है चाय पार्टी। ये देखिए, बताओ, ये 2 बजे चाय पी रही है तो खाना कब खाएगी? इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है? कैसे ये टैलेंट कहाँ से लाती हो नन्नू, मुझे भी सिखा दो। तो गाइस, मैं भी फ्रेश होके आ गई हूँ। तो गाइस, घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, और सब्जी वगैरह पापा भी शायद लेके नहीं आए, वो शायद आज भूल गए हैं सब्जी लाना। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और मंजू को भी बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है क्योंकि वो भी अभी स्कूल से आई है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैगी कैसे बनाते हैं। तो गाइस, वैसे तो आप मेरे चैनल पर देख ही सकते हैं जाके, इसी चैनल पे मैंने डाला हुआ अपनी मैगी की रेसिपी, कितनी सारी हैं तो आप इस पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाई देती हूँ कि हम लोग अभी कैसे बना रहे हैं मैगी। हमारी बन गई है मैगी। मैगी तो बन गई है, और मंजू को बुलाते हैं और उसे देते हैं मैगी खाने को, क्योंकि वो भी कॉलेज वो भी स्कूल गई थी तो उसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मुंह भी धो लेती थोड़ा सा, अच्छा ही लग जाता। तो गाइस, ये अभी आ गई है मैगी खाने के लिए, इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और उसका मुंह देखो कैसे बन गया है, एकदम उतर गया है भूख के मारा। तो गाइस, इसे मैं पहले मैगी खिला देती हूँ, इससे पहले मेरी मैगी भी खा दे मेरे हिस्से की, पर वो मुझे मंजूर नहीं है कि मेरी मैगी खाए। यम्मी। कितनी चंट है मेरे में देखो, कितनी थोड़ी मैगी अपने में देखो। तो गाइस, पूरी मेहनत मैंने की है, मेरी मैगी मैंने बनाई है, तो ज्यादा कौन खाएगा, मैं ही खाऊंगी ना। अम्मी, तो मैं दे दूं खाने के लिए, बस स्कूल से आई, आओ फटाफट खा लो। और मैं इतनी दूर से कॉलेज से चल के आई, उसके बाद मैगी बना के दी, तब भी कह रही कि मेरे को कम दी है। मेरा बस चल ना, ये भी ना, दोनों ने मैगी अपनी निकाल दी हुई है अपने अपने हिस्से की। तो मैं, हम दोनों इसे खा के फिर मिलते हैं आपसे। पकड़ लिया, नहाई नहीं है ना, इसलिए खुजली हो रही है। गाइस, अभी मैं उठ गई हूँ। तो गाइस, मैं मैगी खा के सो गई थी, तो पापा भी सब्जी लेके आए, तो मैं उसे बनाने जा रही हूँ। उसकी पत्ते हैं, मूली के पत्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ।
तो गाइस हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, ये देखिए कुछ ऐसे की बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगती है। पापा को मुझे नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये वाली सब्जी। चलिए छत पर चलते हैं, वैसे आज मैं सुबह से गई नहीं हूँ तो छत का नज़ारा भी ले लेते हैं कैसा है। गाइस छत पर विजय भी आ गया है सो के उठ के, इसका मुँह देखो। छत पर से कुछ ऐसे का नज़ारा है, बस घर ही घर है, घर ही घर है और कुछ भी नहीं है। इसमें मैं आपको क्या ही दिखाऊं। गाइस नन्नी को देखो, नन्नी अरे नन्नू कुत्ता देखने, क्योंकि उसने बच्चे दिए हैं और नन्नू अपनी बेइज्जती कराएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, चल नन्नू आगे ये करवाएगी। पहली बात तो ये सुन लो, चल 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 संजू की बेइज्जती होगी। अच्छा कुत्ते ही है तो गाइस मुझे कुत्ते ही दिखा रहे। बच्चे कहाँ पे? बच्चे पे वो दिखाए थे ना। तो गाइस वो भौंकना शुरू कर दी और यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल ली नन्नू। चल बहुत हो गई बेइज्जती, अब इतनी भी मत करा पूरे दिन में, कल के लिए भी रख दे। तो गाइस हमारी संजना आ गई है खतरों की खिलाड़ी, अब ये करवाएगी अपनी बेइज्जती, एक तो करवा के चुकी है, अब है संजना की बारी। चल उठा के दिखा, चल कुत्ते को उठा के दिखा। देख लड़ाई हो रही है उन दोनों की, रोटी कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। ये सोती उठी है और मैं सुबह से सारा काम कर रही हूँ, सब्जी भी बना रही हूँ, बस रोटी बनाने का करीब करीब 5 मिनट बाकी। तब इनमें ये मतलब ये लड़ रही है कि बर्तन कौन धोएगा और रोटी कौन बनाएगा, ये दोनों करेगी। अरे ओवर टाइम लग रही है, काम करने का वो देखो इतनी शक्ल, ध्यान से देख ले एक बार। हट, मैं भी तो धोते ही सीखे, क्योंकि अभी इसको लात पड़ने वाला है इसलिए। गाइस मैं आप यहाँ पे है नहीं, वो बॉय पर वो नन्नू का सबसे अच्छा लौटर दोस्त है हमसे भी बढ़कर, क्योंकि उसी से इसको हमेशा पढ़ती है। तो मैं आपको दिखा कर भाई ने इसकी मम्मी लोग ओके रखा, तिजोरी में रखा है क्योंकि इसी का है वो। उसके अलावा वो बॉय पर किसी के भी नहीं मारती उसकी मम्मी, सिर्फ इसके ही पढ़ते हैं। वो चप्पल कहाँ गया? एक काले रंग का डंडा भी था। सीक्रेट दो थे, एक के साथ फ्री दिया था, कह रहे अगर टूट गया तो ये काम आ सकता है, तो दोनों टूट गए क्योंकि इसके सर पे पड़ा था, पेपर लेके आए थे इसके सर पे पड़ा था, इसलिए इसका सर इतना बड़ा। ये देखो दिखाओ दिखाओ, इधर इधर देखो किस भाग गए। ने पिज्जा चैलेंज किया था जिसमें हम दोनों हार गए थे और नन्नू बोल रही है ये क्या बात है, मैं तो 2 मिनट में खा लूंगी। इसका मतलब क्या है फिर, तुम इसे क्या कहने चाहती, भुक्कड़ है ये? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ये? नहीं बोलना, ये घर में जाती मुझे मारती है। अगर आपने मेरा और संजू का पिज्जा चैलेंज नहीं देखा है तो जाके रात हो गई है तो मैंने खाने में बनाया हुआ है दाल चावल चटनी और मूली की सब्जी। गाइस मैं फटाफट खा के फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो गाइज यहाँ पे सब कर रहे हैं अपना काम और मैं करने जा रही हूँ आराम, लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम, उसे देखो पैसे छापने में लगा हुआ है। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसे देखो। यह था बनेल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ। बाय, लेके प्रभु का नाम बोलो राम राम राम।